मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप देख रहे हो वही गुड रहे हैं आपका। और मैं हूँ अभी श्रीनगर में, और श्रीनगर में मैं यहाँ की टूरिस्ट पॉइंट्स या फिर टेम्पल्स वो एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं हूँ लाल चौक पे, कि मतलब डल लेक से 3-4 किलोमीटर पहले पड़ता है। पहले चलते थोड़ा पास से आपको लाल चौक का घंटाघर दिखाते हैं। तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आई थिंक इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और इसको शायद ट्राई कलर में बनाया जाए, जो अपने इंडियन फ्लैग है। बनाया गया था घंटाघर, ये 1980 में बनाया गया था। तो ये है घंटाघर श्रीनगर का, और ये देखिए लाल पत्थरों से बना हुआ है, और साइड में थोड़ी सी मतलब टाइल या फिर कुछ डिज़ाइन में छूके तो नहीं देख सकता। और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और सामने दिख रही है पहाड़, कश्मीर के पहाड़, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जगह जगह पे जवान तैनात है हमारी सुरक्षा के लिए, अमरनाथ की यात्रा चल रही है उसके लिए। और आपको सस्ते होटल वगैरह चाहिए और रुकने के लिए तो लाल चौक पर बढ़िया रहता है, लाल चौक पर आपको यहाँ पर सस्ते होटल वगैरह मिल जाते हैं। तो अभी मैं जो अपनी आज का दिन शुरू करने जा रहा हूँ लाल चौक पे ही, पास में सामने घंटाघर के बिल्कुल जस्ट सामने ये घंटाघर है, और इसके जस्ट सामने ही है गुरुद्वारा साहिब। तो मैं पहले मत्था टेकता हूँ वहाँ पे, अपनी दिन के लिए विश मांगता हूँ, फिर अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। तो चलते हैं सीधा। तो ये है गुरुद्वारा साहिब, और ये गुरुद्वारा साहिब, और वो सामने है लाल चौक। लेकिन इसकी एंट्रेंस जो एंट्रेंस इधर से नहीं है, और साइड से मुड़ के है, क्योंकि यहाँ सामने फ्रंट में दुकानें हैं। और यहाँ का जो गुरुद्वारा साहिब है बिल्कुल ही अलग ही डिज़ाइन में बना हुआ है, जैसे यहाँ के कश्मीर के होते हैं। आई थिंक स्नो पड़ती होगी इस वजह से ऐसे हट जैसा आगे बना रखा है। तो मैं थोड़ा दूर हो गया हूँ, और आई थिंक आपको गुंबद ऊपर दिख रहा हो, गुंबद के ऊपर जो खंडा साहिब खंडा होता है वो बना हुआ है। तो गुरुद्वारा साहिब सेकंड फ्लोर पे है, और यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है, मुझे ये पता नहीं था। यहाँ पे रूम्स वगैरह बने हुए हैं। चेकआउट टाइमिंग 12 PM, सही है यार। इधर ऑफिस वगैरह हैं यहाँ के। दर्शन हो गए हैं गुरुद्वारे में, और मैं 5-10 मिनट बैठा यहाँ पे, थोड़ा सा पाठ पाठ सुना, और ये था गुरुद्वारा। शाम को यहाँ लाइटें जलती है, रात को अगर मेरा चक्कर लगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। और मैंने एक चीज़ देखा, गुरुद्वारे की जस्ट सामने एक खूबसूरत सा मस्जिद है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं वहाँ पे। तो ये मस्जिद है, ग्रीन कलर का बना हुआ है, और मतलब बीच में वाइट कलर की पेंटिंग है, और ऊपर इसके गुंबद है जो कि दूर से नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ गली पतली है इसलिए नहीं दिख रहा है, और एंट्रेंस वहाँ सामने से है। वाहेगुरु जी, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है यहाँ का। अरे मस्जिद का नाम क्या है अंकल जी? मस्जिद नूर। तो भाई साहब ने बताया मस्जिद नूर नाम है, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है गुरुद्वारे के जस्ट सामने। क्या घर के दूसरी तरफ आ गया हूँ मुझे, और यहाँ से मुझे मिल जाएगी डल लेक की टुक टुक बोल ले, ई रिक्शा बोल लो, तो 20 रुपये किराया है, 3-4 किलोमीटर है, मैं कल गया था इसलिए मुझे पता है। रोके तो मैं पहुँच गया हूँ डल गेट, और डल गेट के सामने ही है डल लेक। 7 रुपये की टिकट लगी थी वहाँ से। भूख लगी है पहले सुबह सुबह, थोड़ा सा फ्रूट्स ले लेते हैं, बनाना वगैरह खाएंगे थोड़ा सा। कल रात को थोड़ा हैवी खा लिया था, अभी कुछ हल्का खाएंगे। तो फ्रूट्स ले लिए हैं, और ये देखो ग्रीन कलर का आंवले जैसा लग रहा है, ये अंकल बोल रहे आलू बुखारा है, और एप्पल लिया है ग्रीन वाले, बोल रहे थे ये मीठे होंगे कश्मीर के हैं। तो ये चालू हो चुका है डल लेक, और सामने बहुत सारे शिकारा वाले बोट खड़े हैं, और पानी बहुत साफ़ सुथरा है यहाँ का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है नज़ारा। और सामने बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, प्यूमा का शोरूम, सब कुछ है। और श्रीनगर को एक्सप्लोर करने के लिए आप साइकिल भी रेंट पे ले सकते हो, जैसे हर जगह होते हैं ना साइकिल स्टैंड,
दिल्ली में भी होते हैं, उनका ऐप वगैरह होता है कुछ, वो मुझे आइडिया नहीं है, आप जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा यहाँ हर जगह साइकिल स्टैंड। और होटल देखो कितने ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं, और ये अपना डल लेक और कबूतर अपना दाना खाते हुए, सामने बहुत सारे शिकारा, और वो हाउस बोट्स हैं। हाउस बोट्स के जो चार्जेस है वो मैं आपको बता दूं कि देखो बोलेंगे तो आपको 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000, जो मतलब मिनिमम वाला बता रहा हूँ, बट आपको 1,000-1,800 में हाउस बोट्स मिल जाएंगे। कोशिश करना थोड़ा बार्गेनिंग करना, और इसमें भी अलग अलग रेंज है, लग्जीरियस भी है, 10,000 के भी हैं, 20,000 के भी है, 1,00,000 रुपये तक के भी होंगे, तो आप अपने जेब के हिसाब से यहाँ पे बार्गेनिंग करके ले सकते हो। बाकी बोलेंगे तो स्टार्टिंग में 2,000 रुपये लगेंगे, ये आप अपना बोला भाई 500-600 से स्टार्ट करना, जितने में बात बन जाए। यहाँ पे जैसे बोट राइड के लिए यहाँ पे ऐसे घाट से बने हुए हैं, तो सब पे घाट के नंबर दिए हुए हैं, घाट नंबर 2 है, और यहाँ हो रही है बोट राइड। और यहाँ पे कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं, आई थिंक डंडा डाला हुआ है मछली फंसाने के लिए। ये सामने देखो ये मछली पकड़ने के फिरात में, ये आई थिंक हंस है, मेरे ख्याल से हंस बोलते हैं इसे, पतली पतली टांगे हैं, लंबी चोंच है। और ये सामने प्यारे प्यारे हाउस बोट्स बहुत सारे हैं। जो J&K टूरिज़्म की तरफ से रेट बांधा हुआ है, लाइक मोटर बोट या फिर शिकारा राइड, अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती है उनके रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसको एक बार स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लो। ये लोग रेट जो है अलग बोलते हैं, तो उसका आप ध्यान रखना। वो ऊपर जाकर है शंकरा जी का शंकराचार्य जी का टेम्पल, जहाँ टावर लगा हुआ है, वो वहाँ मुझे जाना है। मैं जा रहा हूँ पहले शिकारा करने के लिए, और रेट मुझे बहुत अच्छा इन्होंने बताया, 200 रुपये, तो अभी चलते हैं शिकारा राइड कर लेते हैं, फिर शंकराचार्य जी के टेंपल चले जाएंगे। तो अंकल ने पहले 200 बोला था, वो बोल रहे थे छोटा राउंड है, बड़ा राउंड करना है तो 400 रुपये। मैंने बोला यार, फिर मैं सोचा 2 मिनट की करूँ ना करूँ, बोल रहे थे 800 रुपये है ये। अब फिर मैंने सोचा कि चल आए हैं कर लेते हैं यार 200 रुपये के लिए। अब यही छोटी छोटी चीज़ें लेके फिर बार बार बढ़ते रहता बजट, लेकिन कोई बात नहीं कर लेते हैं। सलाम रॉकी भाई। सलाम हबीबी, दिल्ली आओ कभी भी। घर वालों के लिए गिफ्ट आइटम नहीं नहीं बनाएगा? नहीं नहीं नहीं, पीता ही नहीं लिखाना कभी भी, अभी भी दिल्ली आओ कभी भी। कब भैया? नहीं नहीं पीता ही नहीं वाला कुछ बताएगा? नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ ऐसा वाला कुछ नहीं। नहीं सर, नहीं नहीं सर, मैं लेता ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे फ्लोटिंग बोट में चलती फिरती दुकानें भी हैं, पीछे भैया हुक्का या कुछ वैसा बता रहे थे, आगे बहुत सारी दुकानें आते रहती है, आपके पास आते दुकान चल के आती है आपके पास अगर कुछ चाहिए हो तो। पीछे हमारे अंकल जी चप्पू चला रहे हैं, क्या नाम है अंकल जी? मोहम्मद यूसुफ। अंकल जी कश्मीरी गाना सुना दीजिए एक। हाँ सुना, अभी देखो आज आज देखते आज मौसम कितना अच्छा है, आप मेरे से मिल गया बहुत अच्छा है। मैं अंकल दिल्ली अभी भी, दिल्ली आओ कभी भी, और पोल्यूशन फाको। फर्स्ट टाइम में कश्मीर? कश्मीर में फर्स्ट टाइम है बिल्कुल, लेकिन अच्छा लगा मुझे आपका श्रीनगर कश्मीर। ना ना हुक्का नहीं पीता मैं, मम्मी मारती है मेरी हुक्का पीने से। मस्ताने हजारों है, मस्ताने हजारों है,
सामने पहाड़ पे बादल आए हुए हैं और बारिश की अनुमान है कि बारिश भी हो जाए और वो हाउस बोट्स होटल्स। हेलो, मज़े लो ज़िंदगी के। ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलती है, तो जितने मज़े ले सकते हो लो, मौज लो। चप्पू राइड चल रही है धीरे धीरे, शिकारा भी मज़ा, मौसम भी बहुत सुहाना हो रखा है। कल तो गर्मी थी, आज थोड़ा सुहाना है क्योंकि बारिश हुई थी। ये सामने पार्क है, क्या नाम है अंकल जी पार्क का? नेहरू पार्क। अच्छा अच्छा, ये सामने है नेहरू पार्क और इसको पार करके जाना होता है। अच्छा, ये नेहरू पार्क है, आप जाना चाहो तो जा सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा ओपन वाला आ गया है, ओपन लेक बोल सकते हो, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है थोड़ी सी। और साइड साइड में उधर हाउस बोट्स है, उधर खुले खुले पहाड़ और पीछे हमारे यूसुफ अंकल। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमान। तो अंकल जी बता रहे हैं यहाँ पे जो गाना है ना बुमरो, उसकी शूटिंग यहाँ हुई थी। नमस्कार, नमस्कार सर। नहीं नहीं, चाय मैं पीता नहीं अंकल। चाय नहीं है सर, कुछ चाय, भी चाय नहीं। नहीं, अभी पेट भरा हुआ है, धन्यवाद। ये चाय नहीं है, ये कश्मीरी गुल बदन है सर। ये गुल बदन, ये बादाम, अखरोट, केसर, गुलकंद। कितने का है ये? 50 रुपया का एक है सर। 50 रुपये का 500 का खुदरा होगा। अयो अयो, गुजराती बोलते नहीं? नहीं सॉरी, तमिल। हम देखा चेंज देखा यार, तुम फिक्र मत करो, पहले गुल बदन देखो, गोरा होता है गुल बदन, बदन में बढ़िया बना होता है ना गुल बदन अंकल। खराब बनाएगा, हमको 50 साल हो गए ये काम करता है, अब कोई शिकायत नहीं आया यार। ठीक है ठीक है, गुल बदन खिलाइए और गाना गाइए, बदन पे सितारे लपेटे हुए। और पीछे एक और अंकल, आप कहाँ से? इसका नाम है मामा ठाकुर। यहीं से? अच्छा, असली कनाडा का। कनाडा का? अच्छा, आप अंकल मेरे को US के लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा। US अमेरिका यार, जा वो तो अमेरिका कहाँ जाएगा। ये आ चुका है अपना सॉफ्टी, बोलते हैं अंकल गुलबदन बोल रहे हैं, बाकी बहुत बढ़िया है। और ये है सामने लिली गार्डन, 10 बजे फूल खिल जाता है और शाम को 4 बजे छुप जाता है। अच्छा, चंद्रमुखी रात को दुखी दिन में सुखी। अच्छा, ये लिली को बोलते हैं। ओ, ये है लिली के फ्लावर। अच्छा, ये बीच में जो खिल रहे हैं यही है ना? वो देखो, बीच बीच में निकल रहे हैं लिली के फूल। तो यूसुफ अंकल ने यहाँ पे एक लिली का फूल तोड़ा था, ये सामने ये देखो, और इसका माला बना दिया है, इसको गले में पहन लो जिसको पहनना हो। अच्छा, ये मार्केट है यहाँ का, मार्केट और ये हाउस बोट है ना ये सारे? तो सामने है। और बीच में ये बतख है, जल मुर्गी। और ये यहाँ की मार्केट स्टार्ट हो गई है दूसरे कोने पे, लेकिन मुझे तो कुछ लेना नहीं है, बस देख रहे हैं मार्केट। वो है सामने मार्केट यहाँ की। ये आ गई हैं दुकानें यहाँ पे। सलाम, सब खैरियत? तो ये है डल लेक के पास वाला कश्मीर। और हाँ, वो शंकराचार्य जी का मंदिर है, ये घाट नंबर 15 के पास है ना, 15-16 के पास है। और यहाँ पे कुछ कश्मीरी ड्रेस वगैरह मिल रहे हैं और कुछ जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वो सामान है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं यहाँ पे, सब कुछ लगभग अवेलेबल है। जिसको लेना हो पानी से, मतलब शॉपिंग करनी हो पानी से, तो यहाँ पे कर सकता है।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। सलाम रॉकी भाई। यूसुफ अंकल धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कराया। तो वीडियो हो रही थी बहुत ज़्यादा लंबी, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे और भी टूरिस्ट लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो रिक्वेस्ट है आपसे। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जल्दी प्लान बनाओ श्रीनगर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय, लव यू सो मच, बाय।